दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे तानाशाह हुए हैं जिन्होंने इंसानी सभ्यता को न केवल शर्मसार किया बल्कि क्रूरता की सारी हदें भी पार की। लेकिन युगांडा के तानाशाह इदी अमीन के जैसा तानाशाह शायद ही इस धरती पर पैदा हुआ होगा। तो दोस्तों, वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहें क्योंकि आज हम आपको युगांडा के तानाशाह इदी अमीन और उसके द्वारा की गई क्रूरता की एक ऐसी कहानी बताएंगे जिसे आप सभी को जरूर सुनना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इदी अमीन का जन्म 1925 युगांडा में हुआ था, लेकिन उसके जन्म की तारीख के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। 6 फीट 4 इंच लंबे और 135 किलो वजन वाले इदी अमीन को दुनिया के सबसे क्रूर, निर्दयी और बेरहम तानाशाहों में गिना जाता है। इदी अमीन 1971 से 1979 तक युगांडा का सैन्य नेता और राष्ट्रपति था। अपने 8 साल के शासन में अमीन ने क्रूरता की सभी हदों को पार कर इंसानियत को शर्मसार किया। एक अनुमान के मुताबिक 8 साल के शासन में इदी अमीन ने 5 लाख से ज़्यादा एशियाई लोगों को बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इदी अमीन एशियाई लोगों से नफरत करता था। इदी अमीन अपने 6 फीट 4 इंच लंबे शक्तिशाली शरीर की वजह से 1951 से 60 तक युगांडा का लाइट हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन रहा था। इसके अलावा इदी अमीन रग्बी का एक शानदार और अच्छा खिलाड़ी था, लेकिन उसे सिखाना काफ़ी कठिन था। कहा जाता है कि इदी अमीन बहुविवाह यानी एक से ज़्यादा शादी करने में यकीन रखता था। कहते हैं कि उसने कम से कम 6 महिलाओं के साथ शादी की थी, जिसमें से 3 को उसने बाद में तलाक दे दिया। अमीन के कितने बच्चे थे इसके बारे में भी किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक उसके 30 से 45 बच्चे थे। अमीन की क्रूरता और बर्बरता। इदी अमीन की क्रूरता को बयान करने के लिए उसके शासनकाल के दौरान स्वास्थ्य मंत्री रहे हेनरी केएबा ने एक किताब लिखी, स्टेट ऑफ ब्लड द इनसाइड स्टोरी ऑफ इदी अमीन। केएबा ने लिखा, अमीन ने अपने दुश्मनों को न सिर्फ मारा बल्कि उनके मरने के बाद उनके शवों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया। उन्होंने लिखा था कि एक बार अमीन हॉस्पिटल के मुर्दा घर में गया जहां उसके दुश्मनों के शव रखे गए थे। कहते हैं कि वहां उसने अपने दुश्मनों का खून पिया, जैसे कि काबका और दूसरी अन्य जनजातियों के लोग करते थे। वैसे इदी अमीन भी काबका जनजाति से आता था। कहा जाता है कि एक बार इदी अमीन की 5वीं पत्नी ने उसके एक गुप्त कमरे को खोलकर देखा तो उसमें 2 फ्रिज रखे हुए थे, और जब उसने एक फ्रिज को खोलकर देखा तो वह चिल्लाकर बेहोश हो गई क्योंकि उसमें कटे हुए इंसानी सर रखे हुए थे। इदी अमीन इतना क्रूर और बेरहम था कि वह अपने दुश्मनों का खून पीने से लेकर इंसानी मांस खाने और अपने दुश्मनों का सर काटकर फ्रिज में रखने का शौकीन था। लेकिन 1978 से 80 के बीच युगांडा और तंजानिया में युद्ध हुआ, जिसमें इदी अमीन के शासन का तख्ता पलट कर दिया गया, जिससे इदी अमीन युगांडा को छोड़कर भागने पर विवश हुआ और उसने सऊदी अरब में जाकर शरण ली। इदी अमीन ने अपने जीवन के आखिरी दिन सऊदी अरब में गुजारे, जहां 16 अगस्त 2003 को 78 वर्ष की आयु में जेद्दा के एक अस्पताल में इदी अमीन की मौत हो गई। उसे सऊदी अरब के रुवेस कब्रिस्तान में दफनाया गया और उसे अपने देश की मिट्टी भी नसीब नहीं हुई। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास की बेल आइकन को जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि मैं आप सभी के लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस बनाता रहूं। हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।